नहीं होया बड़ा कि जगह तो आए हम कलकत्ता से आए थे अभी नहीं किया सर बस वो टोकन लाना है बस निकल जाना है अभी जब आप लखनपुर से आए हो तो यहाँ पे कोई टेस्ट तो किसी का नहीं करते हैं नहीं तो टेस्ट हमको नहीं किया है ना उधर नहीं हुआ है सर लखनपुर में टेस्ट नहीं हुआ नहीं उधर पार्टी बनाया पैसेंजरों को लेते हैं कुछ लेते हैं पार्टी बनाते हैं सर नहीं हाँ सर सुधीर नहीं सर इधर खाली पर्ची देते हैं बस अगर वो छोटी वाली पर्ची देते हैं ये पर्ची देते हैं बस और टेस्ट नहीं करते ना ना टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करते सारे ट्रक वालों को यही पर्ची देते हैं तो बाहर से आप आते हो तो पर्ची देते हैं आपको तो आप चले जाते हो हाँ सर यही पर्ची देते हैं तो बस इस हिसाब से जेके यूपी गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने जो गाइडलाइंस जारी की हुई है कि जिसके तहत जो है बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी कोविड के दौरान जो है टेस्टिंग की जा रही है लेकिन ये कार्य प्रणाली जो है जो बाहर से आने वाले जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए ये गाइडलाइन जो है वो जरूरी नहीं अभी तक रखी गई है हमने बहुत बार देखा है कि भाई उन्हें पर्ची वगैरह पकड़ा दी जाती है लेकिन जो है उनकी टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है अगर देखिए हर एक पैसेंजर व्हीकल की गाड़ी अगर कंपलसरी है तो जो बाहर से यात्री आ रहे हैं जो ट्रक वाले जितने भी आ रहे हैं उनकी भी जान जो है वो इस समय होनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब के हालात हैं हमने अभी भी देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी जो है 8 जो पेशेंट जो है वो सिर्फ सेक्रेट में ही जो इम्प्लॉयज हैं पॉजिटिव आए हैं और बाकी एरिया में भी कहीं बिलावर कहीं आगे पीछे जो भी हमने गाइडलाइन वगैरह देखी है जितने भी नोटिस में आए हैं कम से कम कोई 40-50 केस जो आए हैं और हम यही चीज चाहते हैं कि इन ड्राइवरों की जो है इनकी भी टेस्टिंग की जाए क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में ये घूम के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं और इनकी जो है जांच होनी भी चाहिए क्योंकि इनकी भी जान माल को खतरा हो सकता है और जहां पर ये जाएंगे वहां पे भी कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है पॉजिटिव हुआ तो सुबह के आंकड़े जो है हमने न्यूज चैनल के माध्यम से जो देखे हैं वो 35 के करीब जो केस जो है वो आज के दिन आए हैं और हम ये चीज देख रहे हैं कि जिस हिसाब से केस आए हैं तो उसी हिसाब से जो टेस्टिंग जो है वो भी कर रहे हैं जो भी आने वाले जितने पैसेंजर व्हीकल है उनकी तो हो रही है लेकिन जो ट्रक ड्राइवर वगैरह आ रहे हैं उनकी भी जो जांच जो है प्रक्रिया जो है उसको सुचारू रूप से करना चाहिए ट्रक ड्राइवर हैं या ट्रक वाले हैं उनका कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग नहीं हो रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है क्योंकि कोरोना जैसे कि बड़ी तेजी से और इसका जो एक बहुत अलार्मिंग पोजीशन जो कठुआ के लिए खास करके कोई कठुआ गेट की आप चयन किया है तो ऐसा ना हो कि यहाँ से ये कोरोना जो है एक बार फिर से ये रफ्तार पकड़े तो हर किसी की टेस्टिंग चाहे कोई भी हो तो ये टेस्टिंग जो है ये हर किसी की जो लाजमी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत एक प्रकोप लेके ये बहुत बीमारी फैली है और साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका कहना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए जाके जो कोई भी बिगाड़ टेस्ट किया